गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। तो देखिए, मोशन के फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैंने मोशन के बारे में बताया था, मोशन के टास्क बताया था और एक दो वर्ड बताया था, रेस्ट एंड मोशन और रिलेटिव हाउ, और कुछ पॉइंट्स बताए थे कि आपका विंडो जो है अर्थ मूव कर रही है तो विंडो जो है ईस्ट से नॉर्थ या ईस्ट से वेस्ट क्यों नहीं होती है। तो इसका भी मैंने आंसर आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, और जो नहीं देखे हैं पिछला वीडियो वो पिछला वीडियो जरूर देखिए, पिछला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज मैं बताने जा रहा हूँ एक दो वर्ड डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखिए, डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट। देखिए, डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअल लेंथ, यानी एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई या मूविंग बॉडी। क्योंकि डिस्टेंस कब कवर होगी, एक जगह खड़ी रहेगा डिस्टेंस होगा कवर, अगर डिस्टेंस कवर होगा तो एक जगह से दूसरा जगह जाएगा, पहला पोजीशन से हिलसा से पटना जाएगी, पटना से हिलसा आएगी, तभी ना डिस्टेंस कवर हो सकती है। अगर पटना का पटना गाड़ी खड़ी है, हिलसा का हिलसा खड़ी है, तो क्या डिस्टेंस कवर होगी। इसलिए मैंने लिख दिया बाई या मूविंग बॉडी, है ना, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई या मूविंग बॉडी इन एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन जो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट होता है जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसे डायरेक्शन से मतलब होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या हुआ, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई या मूविंग बॉडी इन एनी डायरेक्शन, कहने का मतलब जितना लेंथ है सबको आप ऐड कर दो, जितना लेंथ है सबको आप ऐड कर दो। और डिस्प्लेसमेंट क्या बताया, शॉर्ट वे, छोटा रास्ता, है ना, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इन द स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा इस बात को, डिस्प्लेसमेंट जो है हमेशा एंड हमेशा स्ट्रेट लाइन में, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे तो हमेशा ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस आपको कर्व लाइन में हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज एंड ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्ट वे, छोटा रास्ता, सबसे छोटा रास्ता। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, यह होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस मैंने अभी बताया, स्केलर क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, ये पिछला वीडियो में मैंने बताया था। देखिए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, एक आदमी गया, लिखा मैं आदमी गया ए टू बी एंड देन फ्रॉम बी टू सी, ए टू बी गया बी टू सी गया। तो बताइए, अगर मैं डिस्टेंस पूछूं तो मैंने बताया डिस्टेंस क्या, एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई या मूविंग बॉडी, है ना, मूविंग बॉडी के द्वारा एक्चुअल लेंथ कहाँ गया, ए बी और एक ठो बी सी, यानी जितना लेंथ है सबको आप ऐड कर दो, तो इसमें डिस्टेंस क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया सबसे छोटा रास्ता, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल टू फाइनल, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, डायरेक्ट ए सी, ए से गया आपने बी या बी से गया सी, तो डिस्टेंस पूछे तो रास्ता से मतलब है ए बी प्लस बी सी, और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे तो सबसे छोटा रास्ता, तो सबसे छोटा रास्ता आपको क्या दिख रहा है, ए सी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या दिख रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी, क्लियर है। अगर मैं आपको कहूं, ये देखिएगा, ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, तो अगर मैं डिस्टेंस कहूं, मान लेता हूं ए से बी गया बी से सी, डिस्टेंस अगर कहूं तो ये वाला प्लस ये वाला, यानी 6 + 8 हो जाएगा 14 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट कहूं, आई 90 डिग्री पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकालिएगा तो आपका आ जाएगा 90 डिग्री पर ना जी, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए सी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए सी हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकला, एसी हो गया 90 के सामने वाला था, हाइपोटेनस कैसे निकला, हाइपोटेनस अंडर रूट ये वाला स्क्वायर प्लस सी वाला स्क्वायर, तो 6² + 8² 36 + 64 यानी 100, यानी कितना आ जाता है 10। चलिए, इसको मैं जरा सा साफ से आगे बताता हूँ, ठीक है, आगे मैं बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा आप लोगों को बीच बीच लग रहा होगा, रहने दीजिए मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या बताया, डिस्टेंस सम ऑफ ऑल लेंथ, मैंने जैसे जैसे गया वैसे आप ऐड कर दो, कहां से कहां गया, ए टू बी और फिर बी टू सी, तो डिस्टेंस क्या हुआ, ई वाला प्लस सी वाला। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहे तो इनिशियल टू या इनिशियल डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पोजिशन, तो इनिशियल ए हुआ और फाइनल कहां तक पहुंचे, पहले ए से बी और बी से सी था स्टार्टिंग यहां से और लास्ट, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका क्या, ए सी, क्लियर है, डाउट है। अब देखिए, यहाँ पर एक और मैं पॉइंट बताया, देर आर टू वेज टू रीच फ्रॉम पी टू क्यू, पी से क्यू जाने का दो रास्ता है, देर आर टू वेज टू रीच फ्रॉम पी टू
पी से क्यू जाने का आपको कितना रास्ता है, दो रास्ता, एक है ये वाला जो कि 20 मीटर और ये कोई ये वाला है तो जो है 80 मीटर। तो बताइए मैं अगर पूछूं डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्टेंस ये गया आपका, डिस्प्लेसमेंट कहूं तो शॉर्टेज डिस्टेंस, तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है पी क्यू, ये वाला स्ट्रेट लाइन वाला यहां पर लिख दें डिस्प्लेसमेंट यानी पी क्यू स्ट्रेट लाइन और डिस्टेंस ये वाला हो गया पी क्यू कर्व लाइन 80 मीटर। क्लियर। अगर मैं पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया शॉर्ट वे यानी छोटा रास्ता, तो छोटा रास्ता डायरेक्ट यहां चले जाइए स्ट्रेट लाइन, तो 20 मीटर हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये वाला हो गया 80 मीटर कर्व लाइन। तो देखिए अब मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एग्जाम्पल थोड़ा से मैं समझाने का कोशिश करता हूँ, कुछ क्वेश्चन दिया हूँ है ना, क्या लिखा मैं अभी इसको मैंने रिपीट किया अभी एग्जांपल में भी इस तरह का दिया फिगर। एक आदमी जाता है एस ए टू बी 6 मीटर और फिर जाता है बी टू सी 8 मीटर 90 डिग्री पर। ये देखिए ए से बी मान लेते हैं गया इधर 6 मीटर और फिर बी से सी गया क्या डिग्री पर 90 डिग्री पर, तो डिस्टेंस क्या हुआ मैंने बात बताया सम ऑफ ऑल लेंथ यानी ए बी प्लस बी सी, ए बी हो गया 6 और ये वाला 8, तो कितना हो जाएगा 6 + 8 यानी 14 मीटर हो गया डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मींस और सम ऑफ ऑल लेंथ, जैसे जैसे गया वैसे वैसे आप ऐड कर दो, ये हो जाएगा डिस्टेंस, ए बी गया 6 और फिर बी सी गया 8 90 डिग्री पर, तो डिस्टेंस हो गया 6 + 8 हो गया 14। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्ट वे छोटा रास्ता, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्ट वे यानी सबसे छोटा रास्ता, तो सबसे छोटा रास्ता यानी फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल पोजीशन, शुरू से डायरेक्ट कहां चले जाइए लास्ट में इन द स्ट्रेट लाइन, ऐसे से जाइएगा शुरू से लास्ट में। अरे ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे से जाइएगा शुरू से लास्ट, कैसे जाइएगा डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला आपको कहलाता है हाइपोटेनस जी, आप पढ़े होंगे 7th में 8th में 90 डिग्री यहां पर लिख दिया अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल कॉल्ड हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है। हाइपोटेनस जो होता है सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट साइड है। आप बताइए लॉन्गेस्ट साइड प्लस करके निकलेगा, सोचिए जरा लॉन्गेस्ट साइड प्लस करके निकलेगा या माइनस करके, तो जाहिर सी बात है अगर आपको 5 और 3 दिया हुआ है अगर आपको लॉन्गेस्ट निकालना है तो दोनों को प्लस कीजिएगा क्योंकि माइनस करने पर तो और छोटा हो जाता है, माइनस करने पर क्या जाता है तो लॉन्गेस्ट साइड निकलेगा जाहिर सी बात है प्लस करके, ठीक है। और ऐसे भी हाइपोटेनस का फॉर्मूला पढ़ोगे, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया शॉर्ट वे यानी छोटा रास्ता कौन हो गया डायरेक्ट एसी है ना, तो कि क्या चीज का काम कर रहा है हाइपोटेनस, कैसे निकलता है प्लस करके, लेकिन कैसे प्लस होता है अंडर रूट स्क्वायर करके। देखिए हाइपोटेनस जो पढ़े ना अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हाइपोटेनस का फॉर्मूला अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कैसे निकलता है डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया आपको, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट आपका हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड 6 8 को प्लस करके निकलेगा कि माइनस करके, तो जाहिर सी बात है कि प्लस करके लॉन्गेस्ट साइड जो निकलेगा एकदम गारंटी है कि दोनों को क्या करके प्लस करके, तो ये 90 डिग्री पर दोनों को प्लस कैसे होता है डायरेक्ट ऐसे 6 + 8 कर दे, नहीं हाइपोटेनस में ऐसा नहीं होता, अंडर रूट करके दोनों के स्क्वायर करके प्लस कीजिए, जब भी लॉन्गेस्ट साइड निकालना हो राइट एंगल में तो अंडर रूट स्क्वायर करके प्लस करिए, ठीक है, अंडर रूट 6² + 8² ये वाला स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, तो 36 और 64 ये हो जाएगा 100 का रूट निकल जाएगा 3, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट फॉर अ छोटा रास्ता। ये देखिए डिस्टेंस आया 14 और डिस्प्लेसमेंट आया 10, डिस्टेंस 14 और डिस्प्लेसमेंट 10 आया, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हुआ। अब देखिए यहाँ पर लिख दिया मैं हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड, फिजिक्स में माइनस साइन यूज होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए, दिमाग में सेट कर लीजिए फिजिक्स में माइनस साइन इज यूज फॉर द अपोजिट डायरेक्शन, जैसे मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट -5 तो यहाँ पर जो माइनस साइन आया है वो बता रहा है कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब शुरू से इधर जा रहा था अब वो 5 मीटर इधर चला गया तो ये हो गया निगेटिव, क्योंकि आप पढ़े हैं नंबर लाइन में, इधर मैं मिटा रहा हूं नंबर लाइन में आपने पढ़ा है इधर 0 इधर जाने पर पॉजिटिव इधर जाने पर निगेटिव है ना, तो -5 मीटर का मतलब जो शुरू से पहले इधर जा रहे थे
अब वो इधर चले गए तो ये हो गया माइनस। तो माइनस साइन बता रहा है कौन डायरेक्शन, जो शुरू से इधर जा रहा था अब वो इधर चला गया, यानी कौन डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, माइनस साइन ध्यान से देखिएगा, जैसे नंबर लाइन में पढ़ा होगा इधर पॉजिटिव है इधर निगेटिव, तो माइनस साइन जो शुरू से इधर जा रहा था अब वो कहाँ चला गया, 5 मीटर इधर चला गया, तो यह अपोजिट डायरेक्शन हुआ। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, प्लस माइनस माइनस। तो फिजिक्स में दिमाग में सेट कर लो, माइनस साइन इज यूज फॉर द अपोजिट डायरेक्शन। माइनस नहीं है कि 5 - 2 कर दो 3 हो जाएगा, फिजिक्स में माइनस साइन यूज फॉर द अपोजिट डायरेक्शन। जैसे मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट -5, तो ये क्या बता रहा है कि 5 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये फोर्स -10 न्यूटन। तो यहाँ माइनस साइन यूज हुआ किसके लिए, अपोजिट डायरेक्शन, मतलब हम जिधर लगा रहे थे, हम जिधर लगा रहे थे, जैसे कि हम देखिए आपको फोर्स लगा रहा है व्हाइट बोर्ड पर, तो जो व्हाइट बोर्ड हम पे फोर्स लगाएगा वो होगा निगेटिव। हम लगा रहे हैं व्हाइट बोर्ड के साइड, हम लगा रहे हैं व्हाइट, मान लिया कि अगर मैं ईस्ट में लगा रहा हूं तो व्हाइट बोर्ड किधर लगाएगा, क्योंकि आप पढ़े हैं 8th क्लास में भी कि अगर आप किसी पर फोर्स लगाइएगा तो वो भी आप पर फोर्स लगाएगी ही लगाएगी। अगर आप किसी पे फोर्स लगाते हो दैट इज नेसेसरी दैट ऑब्जेक्ट आल्सो अप्लाइड फोर्स ऑन यू इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हम व्हाइट बोर्ड पर मान लिया कि ईस्ट में फोर्स लगा रहे हैं, तो व्हाइट बोर्ड हम पे, तो व्हाइट बोर्ड का फोर्स हो जाएगा निगेटिव, अपोजिट हुआ ना, हम लगाए ईस्ट में व्हाइट बोर्ड लगाया वेस्ट में यानी अपोजिट, तो व्हाइट बोर्ड का फोर्स हो जाएगा निगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन। तो माइनस साइन यहाँ पर बता रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा, दिस मीन्स 10 न्यूटन अप्लाइड फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि 10 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा। तो अब देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बस उसको एग्जांपल जो बताया उसको मैं लिख दिया, ठीक है, कि बी अप्लाइड फोर्स ऑन व्हाइट बोर्ड इन द ईस्ट, द व्हाइट बोर्ड ऑल्सो अप्लाइड फोर्स ऑन मी इन द अपोजिट डायरेक्शन यानी वेस्ट। अगर हम व्हाइट बोर्ड पर ईस्ट में फोर्स लगाए तो व्हाइट बोर्ड भी हम पे फोर्स लगाएगी वेस्ट में, यहाँ पर यानी तो हम लगाए ईस्ट में तो वो लगाया, तो बेस्ट में जो फोर्स लगा वो हो गया निगेटिव। हमारा फोर्स अगर पॉजिटिव तो इसका फोर्स, हम लगाए व्हाइट बोर्ड पर देखिए ईस्ट में, मान लिया ये कौन डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, तो ये लगाएगा बेस्ट, ये वाला ईस्ट डायरेक्शन ये वाला, तो ये जो अपोजिट में लगाया ये फोर्स हो जाएगा व्हाइट बोर्ड वाला निगेटिव। हम लगाए इस पर ईस्ट में, आई लगाया हम पे तो अपोजिट डायरेक्शन में लगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में, तो आपको मैंने अभी बताया माइनस साइन किसके लिए यूज होता है, अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए माइनस साइन यूज होगा, यानी व्हाइट बोर्ड जो फोर्स लगाया वो निगेटिव हो गया, क्लियर। अब देखिए हम बी अप्लाइड फोर्स ऑन अ टेबल, हम टेबल पे फोर्स लगाते हैं तो टेबल भी हम पे फोर्स लगाएगी इन अपोजिट डायरेक्शन, तो जो हम लगाए टेबल पर, हम लगाए टेबल पर, जैसे मान लो कि ये टेबल है, मान लीजिए कि ये टेबल है, हम लगाए टेबल पर नीचे की ओर, तो टेबल हम पे लगाएगी तो ऊपर की ओर अपोजिट डायरेक्शन हुआ, तो टेबल का फोर्स यहाँ पे निगेटिव। हम टेबल पे फोर्स लगाए नीचे की ओर तो टेबल हम पे अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगा वो हो गया निगेटिव, यानी टेबल वाला फोर्स निगेटिव हो गया। ये आप लोग फोर्स फ्रिक्शन चैप्टर में भी आप लोग 8th क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए एक पॉइंट और लिखा है कि If an object travels in the straight line, यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चला जाता है तो वहां पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करती है इन द स्ट्रेट लाइन तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखिए ए टू बी गया तो यहाँ पर डिस्टेंस भी पूछे तो 50 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 50 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा मैं तो यहाँ पर चलिए मीटर लिख दिया, कोई बात नहीं यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए टू बी गया कितना सेंटीमीटर, 50, तो डिस्टेंस भी 50 और डिस्प्लेसमेंट भी 50, तो स्ट्रेट लाइन है इसलिए इक्वल, यहां पर लिखा है डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट 50। अब एक और पॉइंट लिखा है क्या कि डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होता है या तो लेस देन मीन्स कम होता है, किससे, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट अब देख लो, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूं, हो सकता है मैं अपना मन से बोल रहा हूं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल होती है या तो कम होती है, किससे, चलो एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूं।
यहां पर डिस्टेंस क्या हुआ, ई वाला प्लस ई वाला डिस्टेंस क्या हुआ, डायरेक्ट प्लस कर दो, कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट प्लस कर दो डिस्टेंस, तो 5 प्लस 2 हो जाएगा डिस्टेंस 70, और डिस्प्लेसमेंट लगा देते हैं 90 डिग्री, बीआर हो गया ना जी, डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो गया बीआर, जो हाइपोटेनस हो गया 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेनस, कैसे निकलेगा, अंडर रूट स्क्वायर करके प्लस कीजिए, तो अंडर रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 से लास्ट में सॉल्यूशन करके आएगा 13, तो आपने क्या देखा डिस्प्लेसमेंट 13 और डिस्टेंस 17, तो डिस्प्लेसमेंट कम है, है ना। आपने मैं यहां पर ये एग्जांपल लिया 5 और 12 लिया 90 डिग्री पर, तो डिस्टेंस की बात करें तो डायरेक्ट प्लस करो 5 प्लस 12 17, और डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो छोटा रास्ता क्या होगा डायरेक्ट या स्ट्रेट लाइन, डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन छोटा रास्ता, तो पीआर होगी आपका क्या डिस्प्लेसमेंट यानी हाइपो 90 डिग्री सामने है तो हाइपोटेनस भी कह सकते हैं, इस तरह का न्यूमेरिकल पहले भी मैंने बताया। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट स्क्वायर करके ना, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर यानी कितना है 13, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 13 और डिस्टेंस 17, यानी डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस, ठीक है। देखिए यहां पर भी थोड़ा सेंटीमीटर था, मैंने मीटर लिख दिया, तो थोड़ा सा सुधार देता हूं, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर ना है वो थोड़ा सा हो जाती है मिस्टेक देखने में, उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर मेन आपको समझाना चाह रहा हूं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन में गया तो दोनों इक्वल। अब देखिए दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन में गया है, यहां पर लिख दिया ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस भी 20 मीटर और डिस्प्लेसमेंट भी 20, जैसा कि मैंने अभी बताया इसके पहले वाला एग्जांपल में बताया कि डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया था, डिस्प्लेसमेंट आया था आपका 13 मीटर और डिस्टेंस आया था 17, तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो गया और डिस्टेंस बड़ा। अब ये स्ट्रेट लाइन में गया तो डिस्टेंस भी 20 और डिस्प्लेसमेंट भी 20, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, तो मैंने अभी बताया कि या तो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट या तो कम हो सकता है डिस्टेंस, तो देखिए इक्वल हो गया यहाँ पे। अब ये देखिए ये 6 मीटर और ये 20 मीटर, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 20 मीटर और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अभी बताया शॉर्ट वे छोटा रास्ता, तो ये ना होगा डिस्प्लेसमेंट जी, डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर ना होगा, जबकि यहाँ पे लिख दिए क्या यानी गलत है, देखिए गलती लिख दिया मैं, और आपका डिस्टेंस ये हो जाता जबकि मैं लिखा क्या 6 मीटर है, तो गलत लिख दिया। अच्छा ये भी डिस्टेंस हो सकता है स्ट्रेट लाइन में अगर जाता तो डिस्टेंस ये भी हो जा सकता था स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाए चाहे तो कर्व लाइन में जाए डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज हेयर कितना मीटर 6 मीटर, स्ट्रेट में जाए या तो कर्व में जाए, ये देखिए ऐसे 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 आया पी टू क्यू, ये वाला 20 सेंटीमीटर इधर से घूम के आया तो आपका आ गया 540 सेंटीमीटर, तो बताइए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पर, कैसे हूं जाए हमेशा डिस्प्लेसमेंट छोटा रास्ता स्ट्रेट लाइन में, कौन लाइन में तो स्ट्रेट लाइन में ऐसे से घूम के डायरेक्ट पी क्यू स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ स्ट्रेट लाइन में जाता तो यहाँ पर दोनों इक्वल होता, अगर स्ट्रेट लाइन में जाता तो डिस्टेंस भी यहाँ पर ये हो सकता था, लेकिन कभी भी आपका डिस्प्लेसमेंट ये नहीं हो सकता, और डिस्टेंस पूछते यहाँ पर तो हो जाता 540 सेंटीमीटर। देखिए कुछ पॉइंट्स और मैंने लिखाया, वन कंप्लीट राउंड, तो वन कंप्लीट राउंड का मतलब क्या हुआ कि जहां से निकले फिर से वहीं पर आ गए, जैसे कि पटना जंक्शन से आपने निकला और फिर से आप पटना जंक्शन पे आ गए, तो इसको बोला मैंने वन कंप्लीट राउंड, किसी तरह घूमते घूमते वहीं पर आ गए, तो इसको बोलते हैं वन कंप्लीट राउंड। देखिए मैं यहां से शुरू हो रहा हूं, यहां से गया, यहां से यहां गया, फिर से यहीं पर आ गया, तो ये हो गया वन कंप्लीट राउंड, यहां से यहां गए और फिर से यहीं पर आ गए तो वन कंप्लीट राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा जीरो। जैसा कि देखिए मैं जाता हूं ए टू बी 30 या फिर कम्स टू ए से बी गया 30, तो जब गया तो पॉजिटिव, मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो पॉजिटिव हो सकती है निगेटिव और जीरो, तो अगर राइट साइड पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड, मैंने बताया, और यहां पर माइनस साइन किसके लिए यूज हो रहा है फॉर द अपोजिट
डायरेक्शन मैंने बताया आपको इन फिजिक्स प्लस और माइनस इज यूज्ड फॉर द अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स में प्लस या माइनस यूज होता है अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो इधर से इधर गया 30 तो प्लस और इधर से इधर आ गया 30 तो माइनस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 30 और प्लस कितना माइनस 30 30। आप कहेगा सर 30 30 तो 60 हो गया ना। अरे 30 है आप प्लस किए कितना 30 को कि माइनस 30 को माइनस 30। तो प्लस इंटू ब्रैकेट मीन्स इंटू तो प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस। तो 30 माइनस 30 जीरो यानी डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन वन राउंड। ठीक है डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में जीरो होता है। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इन वन राउंड। जैसे मैंने बताया ए से बी गया अभी जैसे यहां पर देखिए ए से शुरू हुए इधर से गया फिर घूमते घूमते कहां पर आ गए ए पर आ गए। ए से शुरू हुए फिर से घूमते घूमते कहां पर आ गए ए पर आ गए। तो यहां पर आ गया डिस्प्लेसमेंट इज जीरो क्योंकि जहां से निकले वहीं आ गए उसको बोलते हैं वन कंप्लीट राउंड। जहां से आए वहीं जहां से निकले वहीं आ गए तो वन कंप्लीट राउंड तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। पटना जंक्शन से निकले पटना जंक्शन चले गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देते हैं ये सिंपल न्यूमेरिकल पहले ही बताए हैं। ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स पी टू क्यू 8 मीटर और फिर गया क्यू टू आर 8 मीटर के डिग्री पर देखिए बार बार 90 डिग्री ले रहे हैं। ए टू बी गया पी टू क्यू 8 मीटर फिर क्यू टू आर भी 8 मीटर 90 डिग्री पर। तो डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस के लिए कोई लफड़ा नहीं डायरेक्ट प्लस कर दो गया 16 और डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट वे छोटा रास्ता। छोटा रास्ता यानी क्या डायरेक्ट पी आर। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ शॉर्ट वे छोटा रास्ता यानी डायरेक्ट पी आर। पी आर कैसे ये हाइपोटेनस हो गया कैसे निकलेगा हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड कैसे निकलता अंडर रूट करके अंडर रूट स्क्वायर। तो स्क्वायर कीजिए दोनों का आता है 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। अब बताइए हमको x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर बोलिएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू kx स्क्वायर बोलते नहीं आप लोग 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना y स्क्वायर 2y स्क्वायर। उसी तरह 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर दू गो 8 स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं तो क्या जी का साइन इनटू का है ना जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू कै गो जेड स्क्वायर। उसी तरह 8 मीटर स्क्वायर प्लस 8 मीटर स्क्वायर तो कै गो 8 मीटर स्क्वायर। ये जेड था तो जेड यहां जेड के जगह जेड था तो जेड यहां जेड के जगह के गो 8 मीटर स्क्वायर हो जाएगा 2 गो 8 मीटर स्क्वायर। यहाँ साइन कुछ नहीं तो इंटू इंटू देना कोई जरूरी भी नहीं है ब्रैकेट दे दिए तो इंटू देना जरूरी। तो आप समझ गए होंगे कि 2 गो 8 स्क्वायर कैसे लिखे तो 2 के स्क्वायर ना है तो 2 गो में से 1 गो तो के गो 8 है के गो 8 है इसमें 2 गो तो 1 गो 8 बाहर निकल जाएगा आई 2 जैसे के तैसे रूट में रहेगा क्योंकि ये कहता है 2 गो में से 1 गो निकालो 2 गो में से क्योंकि यहां पर कुछ नहीं तो 2 है कुछ नहीं तो दू गो में से होगा तो 2 गो 8 था तो 1 गो 8 निकाल दिए है ना एक गो मीटर भी निकल गया और 2 एक के होता था रूट के जैसे के एस। ओके अब देखिए मैंने क्या क्वेश्चन दिया कि इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ। चलो सर्कुलर पाथ ये हो गया ऑफ रेडियस 14 मीटर। चलो रेडियस हो गया 14 मीटर। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स यदि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कौन पाथ में ये देखिए सर्कुलर पाथ में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है रेडियस है 14 मीटर है ना ये हो गया रेडियस और आर मींस रेडियस 14 मीटर। तो फाइंड टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन के राउंड्स 5 इंटीजर्स 1/2 राउंड। तो डिस्टेंस तो भाई रास्ता से मतलब है सबको जोड़ दीजिए डिस्टेंस इन 5 इंटीजर 1/2 राउंड यानी 11/5 इंटीजर 1/2 क्या हुआ 11/2 राउंड। तो यहां पर राउंड क्या है सरकमफेरेंस। राउंड क्या है यहां पर ध्यान दीजिएगा राउंड यहां पर क्या है सरकम। राउंड क्या है सरकम यानी 11/2 आसान कुछ नहीं था इनटू सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी 11/2 सर्कमफेरेंस क्या होता है 2π सर्कमफेरेंस होता है 2π और 11/2 इनटू 2 ऐसा कुछ नहीं था इनटू पाई का वैल्यू कितना होता है जी
22y से वन और क्या जाएगा 14 मीटर, 7 से कट जाएगा 2 टाइम्स, 2 से 2 कैंसिल, तो 22 जा 44 11 जा 484 मीटर, देख लीजिए इनटू करके 44 × 11 44 484 आ गया, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। तो ये तो बड़ा इजी है, अब जरा सा कंफ्यूज आपको करेगा डिस्प्लेसमेंट, जरा फिर से फिगर बनाता हूँ, कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा डिस्प्लेसमेंट, नाम यहां पर दे देता हूं, ये इधर भी एक रेडियस दिखा देते हैं, तो ये भी तो 14 होगा, यहां पर नाम दे देता हूं भी, ठीक है, कोई दिक्कत, डिस्टेंस को कोई मतलब नहीं है, जैसे गया और सारे लेंथ को आप ऐड कर दो, तो के राउंड था 5 × 1/2 राउंड, राउंड मीन्स हेयर सर्कमफेरेंस होता है 2πr, पाई का वैल्यू रख दी, सॉल्व करके आ गया इतना। अब जरा सा देखिए, मैं फिर से फिगर शो करके डिस्प्लेसमेंट समझा रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, के राउंड में कह रहा है 5 × 1/2, तो चलिए मैं एक राउंड की बात करता हूं, पहले एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0, अभी मैंने बताया, अभी एक पॉइंट लिखाया, वन कंप्लीट राउंड में डिस्प्लेसमेंट इज 0, चाहे कैसा भी रास्ता पे, देखिए यहां से गया घूमते घूमते यहीं पे आ गया, पी से गया घूमते घूमते पी पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, पी से गया घूमते घूमते पी पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट एक राउंड में डिस्प्लेसमेंट होता है 0, इन वन कंप्लीट राउंड डिस्प्लेसमेंट इज 0। चलो तो एक राउंड की मैं बात करूं, एक राउंड में ए से गया फिर कहां पर आ गया, एक राउंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, फिर दूसरा राउंड शुरू किया तो फिर यहीं पर आ गया डिस्प्लेसमेंट 0, तीसरा राउंड में भी 0, चौथा राउंड में भी 0, अब पांचवा राउंड में भी 0, अब बच गया हाफ राउंड, अब आपका बच गया क्या हाफ राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड, डिस्प्लेसमेंट इन वन राउंड में भी 0 इज 0, डिस्प्लेसमेंट इन टू राउंड्स में 0, डिस्प्लेसमेंट इन थ्री राउंड्स में भी 0, डिस्प्लेसमेंट इन फोर राउंड्स में भी 0, और डिस्प्लेसमेंट इन फाइव राउंड्स में भी, बच गया के राउंड हाफ राउंड, तो हाफ राउंड में कहां से कहां जाएगा, ए टू बी, है ना, दैट इज डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन रिमेनिंग हाफ राउंड, डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन रिमेनिंग हाफ राउंड, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ रिमेनिंग हाफ राउंड में, डिस्प्लेसमेंट कवर्स इन रिमेनिंग हाफ, तो हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट पांच राउंड में तो 0 हो गया, तो डिस्प्लेस टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 5 × 1/2 राउंड्स, पांच राउंड को तो हटा ही दीजिए, पांच राउंड वाला बचा हाफ राउंड, तो हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, आप बताइए, हाफ राउंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ई वाला कर्व लाइन, अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन, तो डिस्प्लेसमेंट जो बचा हाफ राउंड में ये कर्व लाइन होगा कि ये वाला स्ट्रेट लाइन होगा, तो ये भी अ स्ट्रेट लाइन, ये भी स्ट्रेट लाइन, कितना है डायमीटर का काम कर रहा है, तो 14 + 14 है ना, ये भी यहां पर जगह नहीं है थोड़ा सा, इन रिमेनिंग हाफ राउंड, ठीक है, इन रिमेनिंग हाफ राउंड, आपका 5 × 2 पांच राउंड तो खत्म कर दीजिए, बचा हाफ राउंड, तो हाफ राउंड में बताइए ई वाला स्ट्रेट लाइन, बताइए हाफ राउंड में ई वाला स्ट्रेट लाइन, ई वाला कर्व लाइन, डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी बताया शॉर्ट वे छोटा रास्ता स्ट्रेट लाइन में, कौन लाइन में, ए बी स्ट्रेट लाइन वाला होगा कि ए बी कर्व लाइन वाला, ए बी स्ट्रेट लाइन वाला,
स्ट्रेट लाइन, तो भी स्ट्रेट लाइन है यानी 14 और प्लस 14 यानी 28 मीटर। क्लियर डाउट है ना? आपको डिस्टेंस में कोई लफड़ा नहीं, कोई लफड़ा नहीं, लफड़ा डिस्प्लेसमेंट में। तो एक राउंड में भी जीरो, दो राउंड में, तीन राउंड में, चार राउंड में, पांच राउंड में भी जीरो, बच गया क्या राउंड? तो हाफ राउंड में जाएगा कहाँ? ये गर्द लाइन में, ये डिस्प्लेसमेंट है बताया स्ट्रेट लाइन, तो ये हाफ राउंड में भी तो ये स्ट्रेट लाइन ना, तो ये स्ट्रेट लाइन कितना हो गया? 14 प्लस 14 यानी डायमीटर 28 मीटर। तो आप लोग पॉज करके नोट कर लिया कीजिएगा, पॉज करके नोट कीजिएगा। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल आपको सर्कुलर पाथ से ही रिलेटेड, क्या कह रहा है? ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स करता है सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस है 7 बाई 2 सेंटीमीटर है ना। एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स कर रहा है सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस है 7 बाई 2 सेंटी, तो इसका डिस्टेंस बताना और डिस्प्लेसमेंट कितना राउंड में? 2 इंटीजर 1 बाई। अरे यार डिस्प्लेस डिस्टेंस में तो कोई लफड़े नहीं है, डिस्टेंस इन 2 इंटीजर 1 बाई 4 राउंड है ना इज इक्वल टू 2 4 8 1 9 2 4 8 1 9 बाई 4 राउंड, तो 9 बाई 4 राउंड में अभी मैंने बताया क्या? सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी 9 बाई 4 सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई, और तो 9 बाई 4 अब 2 पाई का वैल्यू 22 बाई 7, अब और कितना हो गया? और कितना चले 7 बाई 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले तो 2 से 2 पवेलियन चल गया, 2 से 2 टाइम्स 2 से 11 टाइम्स 7 से 2 7 पवेलियन चला गया, तो बच गया क्या? 9 × 11 99 अब बाई 2 है ना, 9 × 9 11 99 अब बाई 2 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी 49.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपको 2 से 2 चला गया आपका वैल्यू है ना, 2 से 2 और 2 से 11 7 से 7 कैंसिल, तो 99.2 यानी 49.5 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई लफड़ा नहीं होती है ना, कोई लफड़ा ना होता है इसमें, लफड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है आपको जो है डिस्प्लेसमेंट में। जरा गौर से देखिएगा, फिर से मैं फिगर बना रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट इन कहाँ के राउंड में? 2 इंटीजर 1 बाई 4 राउंड। जरा इसको गौर से देखिएगा, रेडियस दे ले 7 बाई 2 सेंटीमीटर, तो एक राउंड में तो 0 हो गया, दो राउंड में भी 0 हो गया, तो बच गया कितना? 1 बाई 4 राउंड में जी बच गया। तो जरा देखिए 1 बाई 4 राउंड में आप जरा एंगल पर 1 बाई 4 राउंड में 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ध्यान दोगे है ना। 1 बाई 1 राउंड में, इन 1 राउंड में 360 डिग्री एंगल बनाएगा सर्कल में है ना, इन सर्कल 1 राउंड में कितना डिग्री? 360। तो के राउंड है आपके पास? 2 राउंड तो खत्म कर दिया, एक राउंड में 0, दो राउंड में 0, बच गया 1 बाई 4 राउंड, बच गया 1 बाई 4 राउंड में। तो ध्यान दीजिएगा, एक राउंड में तो 360 डिग्री, तो 1 बाई 4 राउंड में कितना है ना, तो 1 बाई 4 × 360 डिग्री यानी क्या डिग्री एंगल? अच्छा, तो 1 बाई 4 राउंड में कितना डिग्री एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। क्या डिग्री? जरा बड़ा फिगर बना रहा हूं मैं, सेवन बाई टू सेंटीमीटर रेडियस हो गया। चलो इसका नाम दे दिए, वन बाई फोर राउंड ना करा, 2 राउंड तो खत्म हो गया, तो बच गया 1 बाई 4 राउंड, तो 1 बाई 4 राउंड में क्या डिग्री? 90 डिग्री। चलो मान लेते हैं यहां से यहां बी हो गया, क्या डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। आप बताइए डिसप्लेसमेंट कह रहा है इन 2 इंटीजर 1 बाई 4 राउंड, डिसप्लेसमेंट इन 2 इंटीजर 1 बाई 4, 2 इंटीजर 2 राउंड को हराइए, कहानी खत्म कीजिए 2 राउंड को, बच गया 1 बाई 4 राउंड, तो 1 बाई 4 राउंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? फिर वही बात,
वन बाई फोर में ई वाला ए बी कर्व लाइन कौन ए बी कर्व लाइन तो क्या ए बी स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू ए बी जैसे यहां पर इसके पहले मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन ए बी क्या है ना डी फिर से मैं बता रहा हूं आपको टू राउंड कहानी खाता है बच गया वन बाई फोर राउंड तो वन बाई फोर राउंड में ए बी वाला कर्व वाला ए बी वाला कर्व वाला कि ए बी स्ट्रेट वाला ए बी स्ट्रेट लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन है ना ए बी स्ट्रेट लाइन तो बताइए ए बी स्ट्रेट लाइन हो गया हाइपोटेनस ए बी स्ट्रेट लाइन क्या हो गया हाइपो हाइपोटेनस हो गया जी 90 डिग्री के सामने वाला इसको देखिए आगे फिगर में बना देता हूं ई वाला भी अच्छा ये भी रेडियस हो गया आई वाला भी तो रेडियस है ना है जी ये वाला भी आपको रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर है ना ये हो गया 90 डिग्री तो ये हो गया हाइपो हाइपोटेनस कैसे निकलता है अंडर रूट हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड है बताओ प्लस 5/3 लॉन्गेस्ट निकालना है तो प्लस करोगे कि माइनस माइनस करोगे तो छोटा ना हो जाएगा जी तो लॉन्गेस्ट साइड निकलेगा प्लस करके कैसे प्लस करना है अंडर रूट स्क्वायर कैसे करना है अंडर रूट 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर जैसा कि अभी मैंने बताया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर दो गो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है वाई स्क्वायर 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर दो गो 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे साइन कुछ नहीं तो इनटू साइन कुछ नहीं तो इनटू मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं तो यही तो थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होती है छोटी छोटी बात x² 2x² हो गया 7/2² 7/2² तक के 7/2² हो जाएगा दो गो 7/2² साइन कुछ नहीं तो इनटू के हो जाएगा दो गो अंडर रूट दो गो 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है अब बताइए के गो 7/2 निकलेगा दो गो में से एक गो है ना 7/2 कै गो निकलेगा बोल नहीं रहे हैं 7/2 कै गो निकलेगा एक गो 7/2 कै गो आई टू बा जैस के सेंटीमीटर भी एगो निकल जाएगा दो गो है तो एगो निकल जाएगा 7/2 स्क्वायर है दो गो है तो एगो निकल गया आई टू तो एक गो है कैसा टू दो ये गो है ये जा कहेगा दो गो है ना वैसे ना होता है अरे ये तो इसके साथ ना है जी ये क्या है इसके साथ है मत कहेगा सर टू दो गो है 7/2 एक साथ लिखे हैं 7/2 एक साथ है क्या गो दो गो 7/2 एक साथ क्या गो है तो ये गो 7/2 निकाल दिए तो टू का काम खत्म 7/2 एक साथ क्या गो है एक गो निकाल दिए इसका काम खत्म आई टू रूट टू एक गो है तो इसका टेस्ट अब आप कहिए अभी सर कि टू से टू ना काटते अरे ये स्क्वायर में ना है जी तो कैसे काटिएगा आप कहिएगा कि सर आप यहां पर कहे ना काट दिए टू से टू अरे ये स्क्वायर है खाली टू रहता ना ऐसे तब टू से टू काट सकते थे केवल और केवल क्या रहता टू तब टू से टू लेकिन ये स्क्वायर में है तो यहाँ पर टू टू कट जाएगा छोटा छोटा बात ध्यान दीजिएगा तो डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अब देखिए आपके स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन है आपके व्हाइट बोर्ड पर एक और बड़ा ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है ये सीढ़ी है ये लैडर का फिगर है फिगर ऑफ लैडर लैडर ऐसा ही ना होता है जी सीढ़ी आपका ऐसा ही होता है ये 5 मीटर है मान लिया ये भी 5 मान लिया ये 5 मीटर है तो ये भी कितना मीटर है तो कहेगा सर 5 मीटर चौड़ा होता है सीढ़ी काहे ना हो सकता है हम बना दिए कोई हमको बोल देगा हमको मान है बनावे के
बन सकता है, कोई नहीं, कोई कंस्ट्रक्शन चीज हुआ, कोई कंस्ट्रक्शन पर्पस में बनाया जाता है चौड़ा चौड़ा सीढ़ी। कहेगा सर इतना लंबा 5 मीटर का सीढ़ी रहेगा तो वो नीचे उतरेगा तो वो गहराई से ही जो है फेंक आ जाएगा, है ना। 5 मीटर का बढ़िया से आदमी नहीं होता इस सीढ़ी है। चलिए मान लिया कि 5 मीटर का सीढ़ी है, 5 मीटर का ऐसा कंस्ट्रक्शन पर्पस में बनाया जाता है, ठीक है। तो इन गिवन फिगर फाइंड टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये भाई डिस्टेंस से तो कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट सबको ऐड कर दो, सबको ऐड कर दो, 5 5 5 5 5 सर क्यों 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो पांचों को ऐड किया था कितना आया 60 मीटर। डिस्टेंस में कोई लफड़ा नहीं होती है, सनी मनी जो समस्या होती है भी तो डिस्प्लेसमेंट में, तो डिस्प्लेसमेंट में यहाँ नाम लिख दिया था, सी नाम दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे नाम दे दिया सी, यहाँ पे नाम दे दिया, ठीक है, यहाँ पे नाम दे दिया सी, यहाँ पे डी, यहाँ पे ई, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी, ठीक है। इसमें क्या निकालने का रहा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में कोई लफड़े नहीं है, डिस्टेंस में तो कोई लफड़ा ही नहीं है, डायरेक्ट सबको ऐड कर दो, 5 5 तो सबको ऐड किए, 12 को 5 था तो 60 मीटर हो गया। अब जरा डिस्प्लेसमेंट, मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या चीज, शॉर्ट वे यानी छोटा 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 रास्ता। तो छोटा रास्ता क्या होगा, डायरेक्ट इनिशियल टू फाइनल ना, डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया था फ्रॉम इनिशियल पोजिशन टू फाइनल। इनिशियल पोजिशन क्या है यहाँ पर, ए इनिशियल पोजिशन, यहाँ पर इनिशियल पोजिशन इज ए, फाइनल पोजिशन इज, इनिशियल पोजिशन ए है और फाइनल पोजिशन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या एकदम डायरेक्ट शॉर्ट में छोटा रास्ता, तो डायरेक्ट हो गया ए बी, डिस्प्लेसमेंट हो गया ए बी, स्ट्रेट लाइन। अब ए बी कैसे निकल सकते हैं, ए को लिख सकते हैं ए सी प्लस सी डी प्लस डी प्लस ई ए प्लस एफ जी प्लस जी बी, है ना। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए प्लस एफ जी प्लस जी बी, ठीक है। अब ए सी कैसे निकलेगा, सब 90 डिग्री पर ना जी, अरे भाई कहीं 5√2 निकल जाएगा जी, अरे हाइपोटेनस हो गया, इसे की एगो साइड में निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए 5 5 5 मीटर 90 डिग्री पर, ये ए सी ए 80, तो ऐसे कैसे निकलेगा जरा बताइए, तो 90 डिग्री के सामने क्या हो गया हाइपो, तो ऐसे निकल जाएगा अंडर रूट ई वाला स्क्वायर प्लस ई वाला स्क्वायर, तो केगो 5 मीटर पर केगो 5 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 5 मीटर के स्क्वायर, है ना, 5 मीटर स्क्वायर 5 मीटर स्क्वायर केगो 5 मीटर स्क्वायर, 2 को 5 मीटर के स्क्वायर, तो केगो 5 निकल जाएगा, केगो 2 निकल जाएगा, 2 निकलेगा 2 जैसे कहता है मीटर, तो ए सी भी ए सी आ गया कितना 5√2 मीटर, उस तरह से ये भी आ जाएगा 5√2, ये वाला भी आ जाएगा 5√2 मीटर, सब तो 5√2 आ जाएगा जी, ये भी आ जाएगा 5√2, ये भी आ जाएगा 5√2 और ये भी आ जाएगा, तो सब ऐड कर दो 5√2 मीटर प्लस 5√2 मीटर प्लस 5√2 मीटर, है ना, प्लस 5√2 मीटर प्लस 5√2 मीटर प्लस, तो क्या को 5√2 हो गया 5 10 15 20 25 30√2 मीटर आंसर, ठीक है। आपको डिस्प्लेसमेंट का है तो हम शॉर्ट वे छोटा रास्ता डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन 5, तो ये भी निकाल ले 5√2, ये भी 5√2, सब 5√2 आएगा, तो सबको ऐड कर दीजिए, तो 5√2 5√2 5√2 5√2 5√2 5√2, तो कितना हो जाएगा 5 15 15 20 25 30√2 मीटर, क्लियर। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है।